हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। मैं लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए एक मिक्सचर चटपटा नमकीन जो बनेगा ड्राई फ्रूट से, और आप इसको पूरे नवरात्रि आराम से एंजॉय कर सकते हैं। एक बार बना के आप रख लीजिए और पूरे 9-10 दिन आप इसको आराम से खा सकते हैं। इसके साथ आप चाय, कॉफ़ी, दूध या जूस जो चाहे आप ले सकते हैं। और मैंने एक जूस की बहुत अच्छी रेसिपी शेयर की है अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक भी। तो चलिए हम अपनी आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, मिक्सचर चटपटा नमकीन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फूड्स बाय शशि। हम आपके लिए लेके आए हैं चटपटा ड्राई फ्रूट मिक्सचर, जो आप चाय के साथ, जूस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पूरे व्रत में आप इनको खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई में घी ले लिया है, उसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, और मूंगफली हमने धुल के सुखा ली थी। अब मूंगफली को हम स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ चटकने तक भूनना है, नहीं तो फिर ये जलने के बाद इनका टेस्ट ख़राब आता है। तो देखिए, मैंने बस हल्का चटकने पर ही तुरंत निकाल लिया है, और इनको आप साइड कर लीजिए एक बड़े बोल में। और फिर हमने लिया है ये साबूदाना, ये मोटा वाला साबूदाना है जो मटर के बराबर में आता है, वो तलने के ही काम आता है, उसको हम भून के ही खा सकते हैं। तो इसको भूनने के लिए ट्रिक है कि आप कढ़ाई को, फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे गरम करके और एकदम स्लो कर दीजिए, और फिर स्लो फ्लेम पे इनको भूनना है। अब डाल लेंगे हम थोड़े से काजू। तो काजू को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जलने लग जाते हैं और इनका टेस्ट फिर ख़राब हो जाता है। तो ये भून चुके हैं, अब हम इनको साइड में निकाल लेते हैं। अब इसी बचे हुए घी में हम डालेंगे थोड़ा सा मखाना। आप घी अंदाजे से उतना ही लें कि लास्ट में जितना बचे हम उस पर मखाना भून लें, ताकि हमारा घी वेस्ट ना हो। इसमें हमने थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी है। अगर आपको मीठा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को हमने एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले मिला लेते हैं जो हम व्रत में खाते हैं। तो हमने थोड़ा सा सेंधा नमक मिक्स किया है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है हमने, और थोड़ा सा हमने इसमें काले मिर्च पाउडर भी डाला है। इन सभी को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अगर आपको व्रत में नहीं खाना है तो आप इसमें चाट मसाला डाल के इनको और भी चटपटा कर सकते हैं। तो बस हमारा मिक्सचर रेडी है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।